So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders and here we're back with another crazy video. And इस वीडियो पे आपको हम बताने वाले थ्री इजी MTB ट्रिक्स, कोई भी साइकिल में कोई भी कर सकता है, मेरा फेमस डायलॉग. सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, जल्दी आओ सब्सक्राइब करो विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग क्रेजी वीडियोस. अभी हम बहुत रेगुलर हो गए हैं एंड बहुत सारा अच्छा कंटेंट्स लाने वाले, सो प्लीज बेल आइकन के साथ नोटिफाइड रहना, बहुत सारा वीडियोस अपलोड करने वाले. बिहाइंड द कैमरा अभिषेक गोसाल, जो रिकॉर्ड करता है हम लोग का सब वीडियोस, गो रीच आउट टू हिम फॉर क्लिकिंग एनी पिक्चर्स, वीडियोस, कुछ भी. मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी कहीं पे आता होगा, जाके फॉलो कर लेना. अभिषेक का भी इंस्टाग्राम आईडी कहीं पे आता होगा, फॉलो कर लेना. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स टीच यू सम क्रेजी थ्री MTB ट्रिक्स. तो सबसे पहला ट्रिक जो आपको हम सिखाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है, वो की है फुट जैम. फुट जैम जैसे आप लोग को बहुत कोई को पता रहेगा, अगर आप लोगों का सामने का ब्रेक नहीं है स्टॉपी मारने के लिए, पैर को सामने चक्का में जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है स्टॉपी किया जाएगा, इसी को फुट जैम कहता है. इट्स वेरी इजी, एनीबॉडी कैन डू इट इन एनी बाइक. ये ट्रिक करने से पहले आपको ये चीज ध्यान पे रखना है कि आपको हेलमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई भी ट्रिक प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, हेलमेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड शूज एंड ग्लव्स आर मैंडेटरी, क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हो जाएगा आपका पैर कट जाएगा, तो इस चीज का रिस्क हम नहीं लेंगे. सो फुट जैम करने के लिए आपको एक चीज ध्यान पे रखना पड़ेगा, जैसे नाम ही बताता है फुट जैम, फुट को जैम करना है. आपको सामने व्हील पे प्रेशर देके अपना जो भी आप पैर से आप करना चाहते हैं वही पैर से आपको रख के अपना चक्का को सामने का जाम करना पड़ेगा, ताकि पीछे चक्का अपने आप उठ सके. एंड जैसे कि आपको पता है कि स्टॉपी का टेक्निक, जैसे हम पहले वीडियोस में एंड शॉर्ट्स में बता चुके हैं कि आपको थोड़ा सा सामने प्रेशर देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा, ताकि आपका पीछे चक्का उठ सके. अभी चलते हैं सेकंड ट्रिक पे, जो कि बहुत इजी है, आप लोग कोई भी साइकिल में इजीली कर सकते हैं, जो कि है क्रैंक फ्लिप. ये व्हीली में क्रैंक फ्लिप नहीं है, ये आपको नॉर्मल में क्रैंक फ्लिप है. आपको व्हीली में क्रैंक फ्लिप करने के लिए आपको पहले ये वाला क्रैंक फ्लिप आपको सीखना जरूरी है. जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, आपको पैर का टिप यूज करके आपको पैडल को पीछे फेंकना है. जब तक आप पैर का टिप यूज करके पैडल को पीछे फेंकेंगे, उसी वक्त आपको जंप करना है हल्का सा, ताकि पैडल जो घूम रहा है उसको टाइम मिले एकदम करेक्ट पोजीशन में आने के लिए. स्लो मोशन में अच्छे से देख लीजिए वीडियो को, तभी आप अच्छे से समझेंगे. सो अभी लास्ट एंड द फाइनल ट्रिक में चलते हैं, जो कि है द एक्सेप राइड. ये ट्रिक हम बहुत पहले फैबियो का वीडियो पे देखे थे, सो आई थॉट कि ये ट्रिक आप लोग को भी सिखाते हैं. ये ट्रिक बहुत ही इजी है, आप कोई भी साइकिल में बहुत इजीली कर सकते हैं. ये ट्रिक के लिए आपको हैंडल घुमा के फिर वापस लाना है, जैसे आपको वीडियो पे दिखाई दे रहा है. हलवा ट्रिक है, हलवा. ये अगर आप नहीं कर पाएंगे तो दूर फेंक दो साइकिल. बच्चा लोग इजीली कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर पाएंगे. गेट अप फ्रॉम योर बेड, टेक योर बाइक एंड डू दिस ट्रिक एंड जाके इंस्टाग्राम में हमको टैग कीजिए, ताकि हम भी ये रिपोस्ट कर सके एंड दूसरे लोग को और सिखा सके. आपको पहले ऐसे हैंडल उठाना पड़ेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आप लोग व्हीली सीखते वक्त आप लोग बहुत गलत टेक्निक यूज करते हैं, इस गलत टेक्निक में से ये एक तो पड़ता है, हैंड फोर्स से उठाना. आपको ऐसा उठाना है, उसका ऐसा लेके ऐसा घुमा देना है, उसके बाद फिर जाके ऐसा वापस आना है. इट्स वेरी सिंपल, हम बोल के कर लेंगे. जल्दी से करके दिखाओ सबको, तुमको ये वाला ट्रिक आता है, हाँ या ना, सच बोलो. नहीं. तो आप करके दिखाओ, जैसे हम टेक्निक बोल दिए हैं वैसे ही उठा के घुमाना है फिर वापस आना है. देखो ऑडियंस, ये एक बार में कोई भी कर सकता है, कोई भी साइकिल पे. इसके साइकिल में उतना मेरा हाई फाई जैसा फीचर्स नहीं है, बट स्टिल वो ये साइकिल में कर लेगा, तो आप लोग देखिए अच्छे से. हाँ, बस ये उसका फर्स्ट ट्राई था, अभी वो सेकंड ट्राई में देखो कैसा करता है. आई तो सेकंड टाइम था ये, कोई बात नहीं, इजीली हो जाएगा. आप जब उल्टा घुमा लिए होंगे, आपको क्रॉस हैंड थोड़ा बहुत चलाने आना चाहिए, तभी आप बैलेंस करके वापस लेके आ पाएंगे. एंड ये ट्रिक करने से पहले हेलमेट पहनना जरूर. और एक गलती ये जो कर रहा है, ये स्पीड ले रहा है, स्पीड नहीं लेने का, ये नॉर्मल स्पीड में होता है. कम स्पीड में करो तब हाइट ज्यादा होगा, एक बार में आप घुमा के लेके जा पाएंगे. नहीं, आप लोग हम ये नहीं सिखाने वाले अभी, इसके लिए अलग वीडियो बना चुके हैं हम, जाके देखो हाउ टू व्हीली, कार्ड में आता होगा. अभी आपको मुर्शिद क्रैंक फ्लिप भी करके दिखाएगा एंड उसके साथ साथ जो फुट जैम भी किए थे वो भी आपको करके दिखाएगा वो. वाह, देखे, ज्यादा फोर्स मत दीजिएगा, ज्यादा फोर्स देंगे तो आप सामने पलट जाएंगे. अभी वो दिखाएगा क्रैंक फ्लिप. ये सब ट्रिक हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं. क्या बोले, आई तो ऑलमोस्ट. देखिए आप लोग फर्स्ट ट्राई किया ये. बोले आप लोग को बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, कोई भी साइकिल में फर्स्ट टाइम है. सो आई होप यू गाइज लर्न फ्रॉम दिस वीडियो. ये वीडियो में जैसे कि हम तीन ट्रिक बताए हैं, आप लोग को हेल्प अगर किया हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इन्फिनिटी राइडर्स. आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, आप कमेंट डाउन कीजिए एंड आप इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करके पूछ सकते हैं. वहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल कहीं पे भी आता होगा, वाजिद एमबी फ्री स्टाइल एंड बिहाइंड द कैमरा अभिषेक गोसाल, उसको भी जाकर फॉलो कर लेना. unbelievable.jpg कहीं पे भी आता होगा, जाकर फॉलो कर लेना, चेक आउट हिज वर्क. दोस्त लोगों को भी सिखाओ खुद सीख जाने के बाद, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू व्हेन यू learn something is to pass it on. So I'll see you again in the next video. Till then, take care of yourself. Peace and out.